छाता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी, सचिव विजय कुमार एवं बार के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा आज तहसील में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता आयोजित के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने बार ऑफ काउंसलिंग द्वारा जारी किए गए पत्र की सराहना की। वहीं प्रेस वार्ता आयोजित करने के समय बार एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी एवं अन्य अधिवक्तागणों के द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से छाता बार से निष्कासित कुछ अधिवक्तागणों के द्वारा छाता में अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनाई गई। पत्र दिनांक 2 जुलाई के द्वारा छाता बार एसोसिएशन के आरोप द्वारा राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश को बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा छाता में विधि संबंधित कार्यों में रोड़ा बन कर जो है रोक लगाई गई थी और जनता में इसका गलत संदेश अधिवक्ताओं के प्रति जाता है। ये लोग नियम के विरुद्ध तरीके से बार एसोसिएशन छाता कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के लेटर पैड को गलत इस्तेमाल कर अधिकारियों को गुमराह करने, उपे और नो वक प्रस्ताव वकालत नामा की बिक्री अनेकों प्रकार के पत्राचार न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से किया जाता है। समस्त तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए बार ऑफ काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2024 को अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन छाता को अवैधानिक तरीके से गठित किया जाना बताया गया है। राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि छाता बार एसोसिएशन छाता जिला मथुरा बार काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है बार संघ है। अध्यक्षताओं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। देखिए कुंज बिहारी की रिपोर्ट। तो हमारी बार से निष्कासित है उन द्वारा हमारी समिति गठित करके बार का रूप दे करके वो अवैध रूप से चलाई जा रही थी, तो जिसके संबंध में हमने एक शिकायती पत्र बार काउंसिल इलाहाबाद को भेजा था, उस पर बार काउंसिल ने संज्ञान ले लिया और उनके सारे अधिकार नष्ट कर दिए, जिसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने यहाँ जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, कुछ चंद अधिवक्ता क्या कोई उनमें ज़्यादातर नॉन प्रैक्टिशनर लोग ही हैं जिनका कोई वकालत से लेना देना नहीं है, वो उनमें 2-4 अधिवक्ता है जो प्रैक्टिस करते हैं, वो उनके साथ मिल करके उन्होंने यहाँ छाता बार एसोसिएशन छाता के पैरेलल एक संस्था दर्शाना शुरू कर दिया। इससे अधिकारियों में भी भ्रम की स्थिति बन गई और जनता में भी भ्रम की स्थिति थी कि किसी भी तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर या प्रादेशिक लेवल पर या केंद्रीय लेवल पर एक संस्था है जो बार एसोसिएशन के नाम से संचालित होती है। अगर कोई अन्य इस नाम की कोई संस्था बनाकर के कोई व्यक्ति काम करते हैं, कोई अधिवक्ता काम करते हैं, तो बिल्कुल वो फर्जी और निरर्थक और अवैध रूप से काम करने का काम करेंगे।